यहाँ पर बैरिकेड तोड़ा जा रहा है। इन तस्वीरों से देख सकते हैं जो महिला हैं वो बैरिकेडों को हला रही हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जो लगातार निकल के आ रही हैं, जिनसे देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडों को तोड़ा जा रहा है, अब उनको डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस की महिलाएं हैं, जिस तरह से अडानी को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे और उनको यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं अब सभी को डिटेन किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ से लोगों को लेके जा रहे जो अडानी को लेकर या प्रदर्शन कर रहे थे, जो जिनके 2 साल में जांच के बाद जो लोग दोषी पाए गए हैं, मोदी जी आप उनको सेफ करने का काम कर रहे हो। आज आपको सेफ करना था तो देश के बेरोजगार युवकों को, देश की बहन बेटियों को, देश के किसानों, दलित, आदिवासियों, भाई बहनों को सेफ करना था, और ये दुर्भाग्य है आज देश का प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी को सेफ करने का काम कर रहा है। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के युवा आज दिल्ली की संसद की तरफ कूच कर रहे हैं, हमें बैरिकेड लगा के रोकना चाहते हैं। कब तक रोकोगे नरेंद्र मोदी जी? ये देश का युवाओं का जलजला आता है। देखिए आपको आपकी सत्ता की कुर्सी से किस तरीके से हम उखाड़ फेंकेंगे। आप देखिएगा अडानी जैसे लोगों को आप सेफ करेंगे तो देश का युवा आपको सड़कों पर लाकर अपने सवालों को जवाबों में तब्दील करके दिखाएंगे। मुट्ठी भर लोग आपको आपकी सत्ता से हटाने का दम रखते हैं। जब देश आजाद हुआ था ना तो कुछ मुट्ठी भर लोग ही थे जो गांधी जी के साथ चले थे, और जब उन्होंने कदम बढ़ाया था ना पूरा देश उनके साथ हो चला था। क्यों? क्योंकि इस देश के मूल में अहिंसा है, सत्य है, ईमानदारी है। मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था अडानी को लेके और तमाम जो यूथ कांग्रेस जो नौकरियों को लेके, क्या कहेंगे जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, देश को बदनाम किया जा रहा है? देखिए देश बदनाम पहले से हो रहा है क्योंकि उनके परम मित्र अडानी जी के खिलाफ जो गैर जमानती वारंट निकला है देश से बाहर, तो अगर देश एक बार के लिए चलिए मान लीजिए कि हम गलत हो सकते हैं, क्या देश के बाहर का जो कानून है वो भी गलत है? अगर कानून गलत है और अगर ये जाँच गलत है तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि मोदी जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि संसद में भी मुट्ठी भर लोग हैं और आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये क्या आवाज़ उठाएंगे? तो उनके जो ये आपत्तिजनक जो बयान आ रहे हैं वो बयान बहुत ही गलत हैं, और गौतम अडानी को बचाने के लिए उन्होंने ये वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे राहुल जी प्रियंका जी को भी संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, और इसी तरीके से हमें भी यहाँ पे रोका गया कि संसद की तरफ हम जा रहे हैं तो संसद की तरफ जाने से भी हमें रोका गया है। कैसे काम चलेगा जब आपको संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है, सड़क पर नहीं बोलने? चुप रहने से मैं आपको बताती हूँ, भगत सिंह जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, तो भगत सिंह जी ने कहा था कि अगर भैरव को सुनाना है तो धमाका जोरदार होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, धीरे धीरे ये वही स्टेप्स हैं कि अगर आवाज़ एक की उठेगी तो उसमें 100 आवाज़ें मिलकर और आवाज़ गूंजेगी, दिल्ली में संसद तक जाएगी। तो क्या लग रहा है जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचा गया अडानी के, तो षड्यंत्र भारत से बाहर रचा जाएगा? मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अगर षड्यंत्र रचा गया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो क्या उन्होंने कमजोर करने के लिए वो प्रधानमंत्री बने थे देश के? क्या कमजोर करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का पद लिया था, या क्या कमजोर करने के लिए उनको ये इकोनॉमी का जो है फादर कहा जाता है? तो फिर भारत मजबूत हो रहा है जैसे बीजेपी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बता रही है, सॉरी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रही है देश को, इसको तो बदनाम कर रहे हैं बीजेपी के लोग। तो ये बीजेपी का मतलब वो गवर्नमेंट में है, उनको चिट भी अपनी रखनी है, पुट भी अपनी रखनी है। अगर वो गवर्नमेंट में है तो इकोनॉमी सुधारने का काम विपक्ष का है या उनका है? मैं ये कहना चाहूंगी अगर उनका विपक्ष का ये काम है, इकोनॉमी सुधारने का उनका काम है, तो वो इकोनॉमी सुधारने में अपने एफर्ट्स डाले, वो हमें चुप करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? चलिए जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन जो अडानी के खिलाफ जो विदेश अमेरिका से जो अरेस्ट वारंट हुआ उसको लेकर यहाँ पर यूथ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही थी, और उनके से जितने लोग थे उनको सभी को डिटेन कर लिया गया है, और तमाम जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं और प्रदर्शन खत्म करते हैं। कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं इनको भी यहाँ से उठाया जा रहा है, आप भी देख सकते हैं लगातार तस्वीरों यहाँ से कुछ जो लोग बैठे हैं उनको खाली कराया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है जो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से सभी को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप तभी तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे अडानी को लेकर और तमाम वो चीज़ें थी उनको हटा दिया जा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं सभी को लेकर यहाँ बैठे रहने देते हैं। और
मैडम आज जो प्रदर्शन हो रहा था अडानी को लेके और जो चीज़ें आज सामने आ रही हैं, लोगों को डिटेन कर लिया गया है, क्या कहना चाहिए? आज हम सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अडानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे, लेकिन मोदी जी ने अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए आज यहाँ पे भारी संख्या पे पुलिस बल भेज दिया और हम देख रहे कि वैसे जैसे देश ने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, लेकिन इसी भारत देश में अडानी सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में वो सुरक्षित है। आज हम देख रहे हैं यहाँ हजारों की संख्या में पुलिस बल, लेकिन अडानी जी के घर पे अभी भी भारत की तरफ से एक भी पुलिस उनके घर पे कार्यवाही के लिए नहीं गई। देश को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले। तो देश को बदनाम कहाँ, जिसके खिलाफ पूरे सबूत हैं सारी। हम सभी सत्य को यदि देखना चाहें आंखें बंद ना कर लें, और आप सभी मीडिया का भी हम सपोर्ट चाहते हैं कि सच्चाई दिखाइए कि चाहे USA हो, केन्या हो, कई देशों में उनके काम रोक दिए गए हैं, तो भाई कहीं ना कहीं भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार हमारी मोदी सरकार है जो उनको सुरक्षित। देश की इकोनॉमी को कमजोर किया जा रहा है ऐसा बता रहे हैं लोग। ये उनकी गलत धारणा है कि देश की इकोनॉमी सच्चाई छुप नहीं सकती। जो सच्चाई है ये बताइए, एक कार्यवाही तो करते वो कि वहाँ से अरेस्ट वारंट यदि जारी हुआ तो यहाँ पुलिस यहाँ ना भेजने की जगह जो न्याय मांग रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस बल भेज दिया जा रहा है, और जो चुपचाप चोर बैठा वो घर में सुरक्षित है, ये कहाँ का न्याय है? मुट्ठी भर लोग हैं जो वह ना तो चर्चा होने दे रहे हैं ना तो वो काम होने दे रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। मुट्ठी भर लोग नहीं है, संख्या बहुत है। ये मांग सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये मांग भारत के एक एक नागरिक की, जो चाहता है कि ये देश गुलाम ना हो, जो चाहता है कि ये देश की आज़ादी बने रहे, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश सरकार ने राज नहीं किया था, वहाँ से कंपनियों ने आके राज किया था। वही स्थिति आज फिर हो गई है कि अडानी और अंबानी जी जो यहाँ पे राज कर रहे हैं, आने वाले समय में मोदी जी यहाँ की संपत्ति कौड़ियों के भाव में बेच रहे हैं। आज हम देख रहे हैं जगह जगह जो स्थिति है, संपत्तियाँ बिक रही हैं, ये हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है। आज भारत के एक एक नागरिक मांग कर रहे हैं, जरूर यहाँ दिल्ली संसद नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनकी क्षेत्र से आवाज़ उठ के आई है कि वहाँ पे पहुंचे और अडानी की गिरफ्तारी की मांग करें, अडानी को गिरफ्तार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रदर्शन यहां से अनाउंसमेंट किया जा रहा है पुलिस बल के द्वारा, देख सकते हैं, और जहां प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को सभी को डिटेन कर लिया गया है, और ये पूरा ही जंतर मंतर मोस्टली खाली कर दिया गया है, और लोग यहां से जा चुके हैं। आप देख सकते हैं पुलिस बल की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और लोग अपनी मांग को रखने के लिए